अलग कुछ का ही है। इसमें देखो हमारे पास जीनर में हमेशा दो कंडीशन, या तो VZ की वैल्यू ज्यादा होगी VL से, ठीक है, या फिर VZ होगी कम होगी, राइट। अगर VZ जीनर वोल्टेज, अब मुझे मैंने बताया था कि क्या बनता है, स्टैंडर्ड डायग्राम बनता है, डायग्राम में कोई यही बनता है जीनर डायोड का डायग्राम। इसमें हमारे पास सीरीज RS, हाई वोल्टेज, यहाँ पे हमारे पास करंट IS जा रहा है, IZ जा रहा है और लोड IL जा रहा है। तो अगर VZ जीनर के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है तो जीनर के अक्रॉस करंट क्या होगी, कम होगी। तो IZ हम ले लेते हैं, तब ये बेसिकली एक रिवर्स बायस की तरह काम करता है, और रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट तरह काम करता है, ठीक है। तो ओपन सर्किट हो गया तो तरह का हो गया, राइट। अब ओपन सर्किट है तो क्या जीनर में करंट जाएगी, नहीं जाएगी। IZ क्या, अब मुझे वोल्टेज अगर निकालनी है जाएगी, यस, मल्टीप्लाइड बाय जिस ब्रांच में हमें वोल्टेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय सम। दिस इज अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज डिवीजन, याद है ना वोल्टेज डिवीजन रूल। जिस ब्रांच में हमें वोल्टेज निकालनी होती है, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय वो रेजिस्टेंस का सम है। अब जीनर डायोड की करंट जीरो है तो IS इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा, राइट। अब IS की अगर मुझे निकालनी है तो सिंपल टोटल करंट है ये, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज इस सर्किट में है VS है, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना है, RS प्लस RL, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है VZ, अगर हमारे पास कम है केसेस हैं तो उस केस में ये डायोड का जीना डायोड फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है, और उसके मतलब करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या देखना होता है, अगर इसमें करंट फ्लो, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है या डिफरेंट होती है। पैरेलल कनेक्ट सारी वोल्टेज सेम आती है ना, फैन की, बल्ब की, ठीक है। तो VZ इज इक्वल टू, तरह अगर मैं करंट के बात करूं ऑफ करंट लॉ लगाऊंगी, क्या ये लिख सकते हैं, IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL, और IS की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो टोटल वोल्टेज माइनस जिस वोल्टेज जीनर ने ले डिवाइडेड बाय RS। बेसिकली तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेस याद रखने, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो पेपर में का जाएगा, एक स्टैंडर्ड डायग्राम तुम्हें बना के आना है, तो शायद मिले। RS 120 ओम है, RL है, VZ इज इक्वल टू 5 वोल्ट है, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम करंट। जब मिनिमम और मैक्सिमम दे देते हैं तो ये कंडीशन नहीं देखते हम, मिनिमम और मैक्सिमम नहीं देते तो हम ये कंडीशन देखते हैं। अब इन्होंने फ्लोइंग थ्रू द जीनर डायोड, तो IZ निकालनी है और IZ मैक्सिमम यही पूछा हुआ है। व्हेन इनपुट वोल्टेज वेरीज 9 वोल्ट, एक बार 9 वोल्ट ले लेते हैं, यस मिन 9 वोल्ट, और VS मैक्सिमम कितनी 8 वोल्ट, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सबसे पहले आ जाते हैं IS के लिए, तो इसमें हमारे पास बेसिक सेड अगर 5 वोल्ट है तो हम ये मान लें कि इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट ही होएगा, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है तभी है ना। तो अगर इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है और इसका इसके अक्रॉस करंट आ जाएगी IL, कितनी आएगी करंट बताओ मुझे,
है पांच, यहाँ पे करंट आ गई 1/50। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, आईएस निकाल लें। आईएस का मैंने बताया वीएस माइनस वीजेड डिवाइडेड बाय आरएस, कैसे आया तुम मान लो वोल्ट टोटल दी। ठीक है, 9 वोल्ट में से 5 वोल्ट सिनर ने ले ली, कितनी बची बाकी वोल्टेज, 4 बची। तो इसके अक्रॉस ये रेजिस्टर कितनी वोल्टेज ले रहा है, 4 वोल्ट ले रहा है। तुम्हारा रेजिस्टेंस तो 120 है, पता है वोल्टेज, पता है करंट आ जाएगी, क्या आ गया 9 - 5 डिवाइडेड बाय 120, 4/120 आ गया। तो अगर तुम्हें आईएस पता है, आईएल पता है, आईजेड आ जाएगा बाय विच फॉर्मूला, आईएस इज इक्वल टू आईजेड प्लस आईएल, राइट। आईएस पता लग गया 4/120, सॉल्व कर लो 1/30 आएगा, 1/30, और ये आईजेड निकालना है और आईएल पता है। अब देखो तुमने वोल्टेज मिनिमम ली थी, तो जीनर की जो करंट आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी, वोल्ट ली थी ना अभी, तो फिर 15 वोल्ट वाले मैक्सिमम ले लेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगी, वोल्ट के केस में 15 वोल्ट, 5 उसने ली, बची कितनी 10, 10/120, 1/12, 1/12 से फिर मैक्सिमम करंट आ जाएगी। जाओ इसमें।